पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना वायरस से अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साउथ दिल्ली यानी कि मालवीय नगर में 19 वर्षीय लड़का में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के अनुसार यह लड़का होम डिलीवरी बॉय था, इसने 12 तारीख तक सभी घरों में डिलीवरी की है। इसके साथ ही 15 दिनों में इसने अलग अलग इलाकों में जाकर 72 परिवारों में फूड डिलीवरी किया था। आपको बता दें कि इस लड़के में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण इलाके में हड़कंप सा मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन सभी 72 परिवारों को इनके घरों में क्वारंटाइन किया गया है और स्वास्थ्य विभाग इन पर खास नजर भी रख रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युवक को RML अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ इसका इलाज चल रहा है। साउथ दिल्ली के जिला अधिकारी BM मिश्रा ने इसकी तस्दीक की है। कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय ने हौज खास, मालवीय नगर, सावित्री नगर व इसके आसपास के इलाकों में डिलीवरी की थी। प्रशासन ने इस मामले के खुलासे के बाद 20 डिलीवरी बॉय को छतरपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा है। यह सभी कोरोना संक्रमित डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे। संक्रमित युवक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 1578 इससे संक्रमित है। इनमें मरकज से जुड़े 1080 मामले शामिल है। पिछले 24 घंटे में एक भी नया मामला मरकज से जुड़ा हुआ सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 10 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 40 लोग ठीक हो चुके हैं। सभी कोरोना वायरस अपडेट्स के लिए देखते रहिए APNS न्यूज़। नमस्कार।